जैसा कि पेरेंट्स आप देख रहे हैं, मैंने एक नोटबुक तैयार किया है। ओके, डे वन स्वर वर्ण नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, तो आप डे वन में अपने बच्चों के लिए क्या पढ़ा सकते हैं उसके बारे में, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिख के बताऊंगी। ओके, आप इस तरह से अपने बच्चों का नोटबुक तैयार कर लीजिए एक, और आप इस तरह से चार कॉलम बना लीजिए और आप सारे चारों कॉलम में और लिख दीजिए। और ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया और ये चार लाइन स्टैंडिंग लाइन दे दीजिए। इस तरह से तीन लाइन हो गया, ये चार कॉलम बन गया, एक दो तीन चार, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से सारे कॉपी में इस तरह से आप ये स्लीपिंग लाइन दे दीजिए ताकि आपके बच्चों को आसानी से लिखे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने कॉपी में इस तरह से दे रही हूँ। इस तरह से देने से बच्चों का क्या होता है मन, वो सोचते हैं कि ये बहुत इजी हो गया है मेरे लिए, तो मैं इसे आसानी से बना सकता हूँ। जैसा कि मैं अपने स्कूल में क्लास वर्क में जब देती हूँ तो इस तरह से देती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं वो फटाफट बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले अ को पहले हम लोग ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से देने से क्या होता है, बच्चे इसके ऊपर चलाना सीखेंगे। इस तरह से आपने दे दिया, एक और हम लोग इस लाइन में देंगे। इस तरह से देने से बच्चे आसानी से बनाना सीखते हैं, है ना। तो चलिए, इस तरह से हमने ये दो लाइन में बनाकर दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार कर सकते हैं आसानी से, और बच्चे आसानी से बनाएंगे। ठीक है, और आप इसे अपने बच्चों से बनवा लीजिए पूरे यहाँ तक, और क्या होगा इससे बच्चे और आप अपने खुद से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं इंग्लिश में लिखना। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे अपने बच्चों को। तो आप देख रहे हैं डे वन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। ओके, तो स्टैंडिंग लाइन होता है इस तरह से और स्लीपिंग लाइन होता है इस तरह से। ओके, तो ये आपके बच्चों के पास तो ऐसे चार लाइन वाली कॉपी जो होती है, इसको आप पहले इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देते हैं स्टैंडिंग लाइन। ये सबसे पहले यहाँ से हम लोग तीन लाइन तक ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। ओके, तो अब अपने बच्चों को कैसे दीजिएगा, सबसे पहले एक ऊपर में डॉट दीजिएगा और एक थ्री नंबर वाले लाइन में डॉट दीजिएगा। ओके, इस तरह से क्या कीजिएगा, आप अपने बच्चों का लाइन दीजिएगा तो पता है क्या हो सकता है, इससे आपके बच्चे आसानी से बनाना सीखते हैं। फिर वो अगर आप इस ऐसा डॉट भी नहीं देंगे तो फिर वो आसानी से ऐसे बनाना सीख जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस तरह से आप अपने बच्चों के नोटबुक को तैयार करें और इस तरह से डॉट डॉट दे दीजिए। चलिए, सबसे पहले आप ये डॉट डॉट बना लिए इतना तक। ठीक है, तो ये देखिए, इस बच्चे को आपने बच्चे को बताइए कि बताओ तो बाबू, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट को हम लोग कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले डॉट को सेकंड वाले डॉट में मिलाएंगे। ओके, ठीक है, पहले ये वाले डॉट को पकड़ेंगे और नीचे में ऐसे स्टैंडिंग लाइन। तो आप अपने बच्चों को साथ साथ ये भी बताइएगा कि बच्चे ये क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन है, क्या है ये स्टैंडिंग लाइन। ओके, देन ये हम लोग बनाने जा रहे हैं स्लीपिंग लाइन। ओके, ये हो गया स्लीपिंग लाइन। ओके, क्या हो गया,
ये हो गया स्लीपिंग लाइन। ओके, तो आप इसी तरह से पूरे अपने कॉपी में इस तरह से डॉट बनाकर दे दीजिए, तब आपके बच्चे को मन भी लगेगा पढ़ाई करने में। जैसा कि हम लोग क्लास वर्क में देते हैं इस तरह से करके, तो बच्चे फटाफट बनाकर दिखा देते हैं और वो खुश भी होते हैं कि मैम मैंने तो बना लिया है। इस तरह से देने से क्या होता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट ये इंग्लिश तो तैयार कर लिया है, चलिए इस तरह से आप अपने बच्चों की नोटबुक को तैयार कर लीजिए। ओके, और आप खुद ऐसे देखकर आपने अपने बच्चों को कॉपी में बना दिया और फिर आप ऐसे चेक कर लीजिए। चलिए तो अब हम क्या सीखेंगे, चलिए तो अब हम सीखेंगे नंबर। ओके, अगर आपके पास इस तरह की कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की कॉपी में क्या होता है, बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं और वो साफ सुथरा भी लिखना सीखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस तरह से ऐसे दो दो लाइन छोड़कर आप इस तरह से वन लिखते जाइए। ठीक है, आपने ये वन वन ऐसे करके लिख दिया। ओके, उसके बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से दो दो लाइन एक एक लाइन छोड़कर ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे दीजिए। ओके, इस तरह से क्या होगा, बच्चे उस डॉट को ही देखेंगे और सीखेंगे कि हाँ मुझे यहीं तक बनाना है। अगर आप डॉट नहीं देते हैं तो क्या होता है, वो बच्चे इधर उधर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें शुरू से ही बच्चों को डॉट देना सिखाना चाहिए, है ना। इस तरह से डॉट दे दिया हमने, पूरे पेज पे डॉट दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि ये वाले डॉट को ही, ये वाले डॉट से ही बनाना है, ये वाले डॉट को ही टच करके बनाना। ओके, तो सबसे पहले बच्चा ऐसे करेगा, फिर ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे बनाएगा। ओके, इस तरह से आप बोलिए अपने बच्चों को बनाने के लिए। आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो ठीक है, और लास्ट में आप रिमार्क देना ना भूलें। ठीक है, ऐसे देने से रिमार्क क्या होता है, आप कुछ स्माइली बना दीजिए, कुछ स्टार बना दीजिए, तो बच्चे भी खुश होते हैं कि अरे वाह मुझे तो स्टार मिल गया। ओके, और लास्ट में आप चेक कर लीजिए। तो इस तरह देने से बच्चे क्या करते हैं, सीख जाते हैं अच्छे से। ओके, सो डियर पेरेंट्स, आज हम डे टू में पढ़ने जा रहे हैं स्वर वर्ण। आज आप इस तरह से एक नोटबुक तैयार करेंगे जिसमें हम लिख रहे हैं। तो हमने पहले सीखा था अ, अब हम सीखेंगे आ। आ आ आ, इस तरह से आप इस नोटबुक को तैयार करेंगे। इस तरह से आप लाइन दे दीजिए ताकि बच्चों को आसानी हो लिखने में। इस तरह से देने से बच्चे आसानी से लिख पाते हैं। इस तरह से मैंने पूरे पेज पे दे दिया है। ठीक है, तो आज हम डे टू में क्या पढ़ेंगे स्वर वर्ण में, आ। ओके, ये नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आज आ पढ़ेंगे। इस तरह से आप नोटबुक तैयार कीजिए और इस तरह से जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप लिखिए। सो डियर पेरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डे टू में स्लैंटिंग लाइन। आप देखिए स्लैंटिंग लाइन इस तरह से होते हैं। सबसे पहले मैं ये चार कॉलम बना रही हूँ, इस तरह से आप भी बना लीजिए। इस तरह से
आप यहाँ पे ऐसे डॉट दे सकते हैं। डॉट देने से क्या होता है, बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट दे दिया है। अब इस तरह से इस डॉट को इस तरह से आप ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने स्लैंटिंग लाइन बना दिया है। इस तरह से आप अपने बच्चों की कॉपी में चार कॉलम बना लीजिए, चार कॉलम में इस तरह से डॉट डॉट दे दीजिए, तो फिर आपको आसानी होगा और बच्चों को भी आसानी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूरे पेज के ऊपर बना रही हूँ। इस तरह से हम लोग क्लास में भी देते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं, खुशी खुशी बनाते हैं। इस तरह से मैंने पूरे पेज के ऊपर दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्लैंटिंग लाइन। हम डे टू में अपने बच्चों को सिखाएंगे, जैसे कि पहले हमने सिखाया था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो इस तरह से हम सिखा रहे हैं स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो इस तरह से आप नोटबुक तैयार कर लेंगे और इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो आसानी से सीख जाएंगे। सो जैसा कि पेरेंट्स आपने देखा कि मैंने डे वन में वन पढ़ाया था, आज हम डे टू में पढ़ाएंगे टू। ओके, तो इस तरह से आप बना लीजिए टू। तो मैंने दो लाइन छोड़कर बनाई है ताकि बच्चे आसानी से समझ भी जाएं और साफ साफ लिखे भी। फिर आप इस तरह से डॉट डॉट दे दीजिए ताकि उनको और आसानी हो जाए लिखने में। इस तरह से देने से क्या होता है, बच्चे आसानी से लिखते भी हैं और लाइन पे ही लिखते हैं। तो मैंने पूरे कॉपी में दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरे इस पेज में दे दिया है। ठीक है, सो डियर पेरेंट्स, आज हम डे थ्री में स्वर वर्ण पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अ और आ पहले ही पढ़ा दिया था। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ई। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने बच्चों के कॉपी में ई बना लीजिए। ठीक है, और वैसे ही ई ऐसे बनाने के बाद ऐसे ऐसे लाइन आप दे देंगे। ओके, इस तरह से मैं दे रही हूँ, आप भी इस तरह से देंगे तो आसानी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरे पेज में इस तरह से दे दिया है, आप भी इस तरह से देंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे और आसानी से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, ई, और साथ में आप पढ़ाएंगे। ओके, जैसे अ से क्या होता है, आ से क्या होता है, ई से क्या होता है। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे थ्री में इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे, अप एंड डाउन पैटर्न्स। ओके, तो इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, दो कॉलम बन गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले करेंगे अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। ओके, इस तरह से मैंने बना लिया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक में बनाइए, अप डाउन, अप डाउन,
अप डाउन, इस तरह से मैंने बना लिया। ओके, तो आप इस तरह से बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उन्हें बताएंगे भी कि ये अप होता है और ये डाउन होता है, ये अप होता है ये डाउन होता है। ओके, जो ऊपर की ओर जा रहा है वो अप हो रहा है और जो नीचे की ओर आ रहा है वो डाउन हो रहा है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, अगर आपके बच्चों को नहीं आ पा रहा है तो आप सबसे पहले ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने नोटबुक के ऊपर इस तरह से मैं दे रही हूँ। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, इस तरह से मैंने डॉट कर दिया है, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, तो इस तरह से आप इन दो कॉलम के अंदर, ये दो लाइन के अंदर आप बना दीजिए। मैंने ये जो दो कॉलम बनाया ना, इस तरह से आप भी बनाकर ये दो लाइन भर कर आप अपने बच्चों को दे देंगे, ठीक है। तो आपके बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर चलाएंगे इस तरह से, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से आपने, मैंने बना दिया है, आप भी अपने बच्चों की नोटबुक में इस तरह से दे देंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे इस तरह से भी होता है, डॉट डॉट करके देंगे तो और अच्छे से बच्चे समझेंगे। जैसा कि देखिए, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। इस तरह से क्या करेंगे, आप डॉट डॉट भी देंगे तो बच्चों को आसानी होगी समझने में, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने नोटबुक के ऊपर इस तरह से दे रही हूँ। आप भी इस तरह से देंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो हम लोगों ने ये क्या सीखा, अप एंड डाउन पैटर्न्स। ओके, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने पूरा बना दिया। इस तरह से सिखाने से बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ओके, तो आप भी इस तरह से बना लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। सो मैथ में हम पढ़ेंगे डे 3 में नंबर। ओके, तो इस तरह से हम बना लेंगे 3 3 3 3 3। ओके, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे से एक एक लाइन छोड़कर डॉट दे देते हैं। डॉट देने से आसानी से समझेंगे बच्चे। चलिए, तो मैंने पूरे पेज के ऊपर ऐसे से पूरे डॉट डॉट दे दिया है। इस तरह से देने से समझेंगे अच्छे से आसानी से। जहाँ आप गलत देख रहे हैं अपने बच्चों को, अगर गलत वो मिस्टेक बना रहे हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्किंग कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट उस बच्चे को आप नेक्स्ट पेज में आप क्या करेंगे, ऐसे 3 बना देंगे और फिर बोलेंगे कि इसे रिपीट करो। ओके, चलिए, तो हमने क्या सीखा आज डे 3 में, 3 सीखा। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 4 में हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। तो जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था ई, अब हम पढ़ेंगे ई। ई, ई, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया है, आप भी अपने बच्चों की नोटबुक में इस तरह से देंगे। देखिए, मैंने इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट किया। बच्चे को एक एक शब्द ही सिखाने से क्या होता है, वो आसानी से सीख पाते हैं, है ना। एक एक ही शब्द सिखाएंगे पहले।
ठीक है, तो मैंने दे दिया क्या ई। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों की नोटबुक तैयार करेंगे। सो आज हम डे फोर में क्या पढ़ेंगे, डाउन एंड अप पैटर्न्स। जैसा कि मैंने पहले वाले नोटबुक में पढ़ाया था क्या अप एंड डाउन पैटर्न्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे डाउन एंड अप। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ओके, इस तरह से अब मैंने ये दो कॉलम बना लिया है, ठीक है, डाउन एंड अप। ओके, तो सबसे पहले डाउन अप, डाउन अप, डाउन। ओके, इस तरह से क्या करेंगे हम पैटर्न बनाएंगे। ओके, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। ओके, तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप भी अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो इस तरह से बताएंगे कि डाउन कैसे होता है और अप कैसे होता है। ओके, चलिए तो अब हम आपको डॉट देकर बताएंगे कि कैसे आप आसानी से डॉट देकर बना सकते हैं। लाइक डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड अप। ओके, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ओके, इस तरह से क्या होता है, डॉट देने से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दो लाइन तक बना लीजिए, जैसा कि हम लोग क्लास वर्क जब कराते हैं क्लास में तो हम लोग इसी तरह से देते हैं। इस तरह से देने से आसानी से समझते हैं बच्चे। तो मैंने इस तरह से दे दिया पेरेंट्स। ओके, सो इस तरह से मैंने दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम डॉट देंगे। डॉट देने से भी बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। ओके, तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से हमने दे दिया। सबसे पहले डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ओके, इस तरह से देने से भी बच्चे समझते हैं अच्छे से, तो इस तरह से देना भी अच्छा होता है। ठीक है, मैंने दे दिया। इस तरह से हम पूरे नोटबुक में फील कर लेंगे डॉट डॉट देकर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वैसे बना रही हूँ, आप भी इस तरह से नोटबुक अपने बच्चों के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए मैंने तैयार कर लिया इस तरह से। तो आप बच्चों से पूछेंगे भी कि तो बच्चा बताओ आज मैंने क्या पढ़ाया और क्या सीखा तुमने। ओके, आप ऐसे करके उन्हें बता भी सकते हैं कि ये बताओ तो बाबू ये क्या हो गया, ये अप है या डाउन है। ओके, तो आप इस तरह से कोई किसी भी पेज को लेकर आप इस तरह से बता सकते हैं, लाइक दिस। ओके, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, ये बताइए मैंने क्या किया, डाउन। ओके, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होता है, अप होता है। अगर हम लोग ऊपर के नीचे ओर आएंगे तो क्या होता है, डाउन हो जाता है। ओके, इस तरह से बताने से बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, चलिए तो मैंने पूरे नोटबुक में इस तरह से कंप्लीट कर लिया है ना। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आप भी अपनी बच्चों के लिए नोटबुक तैयार कर लीजिए। ओके, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, साफ सुथरी कॉपी में इस तरह से आप देंगे तो बच्चे आसानी से और अच्छे से बनाएंगे। ओके, सो डियर पेरेंट्स,
हम पढ़ेंगे डे फोर में नंबर में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने 1, 2, 3 पढ़ा लिया है तो अब हम क्या पढ़ेंगे 4, वेरी गुड। इस तरह से 4 बनाएंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ 4 इस तरह से बना देंगे, ठीक है, दो दो कॉलम छोड़कर, और इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि डॉट डॉट देने से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, है ना। इस तरह से नीट एंड क्लीन भी लिखते हैं। ओके, तो मैंने डॉट डॉट पूरा कर दिया है। ओके, सो इस तरह से आप बताएंगे अपने बच्चों को कि इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, और उन्हें अगर नहीं आता है तो आप इसे छोड़ना नहीं, आपको इसे बार बार रिपीट करना है। ओके, जब तक ये आपको बच्चों को 4 नहीं लिखने आ जाता तब तक आपको ये रिपीट करना है। ओके, सो आज हम डे 5 में पढ़ेंगे ओ। ओके, ओ ओ ओ, इस तरह से हमने बना दिया। फिर हम लोग इस तरह से लाइन देंगे, ठीक है। मैं इस तरह से जो लाइन दे रही हूँ इस तरह से आप देंगे तो क्या होता है, अच्छे से बच्चे लिखते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने ये फटाफट इस तरह से बच्चों के लिए नोटबुक तैयार कर लिया है। तो डियर पेरेंट्स, आप भी इस तरह से अपने बच्चों के लिए नोटबुक तैयार कर लीजिए। ओके, सो मैंने क्या पढ़ाया आज डे 5 में, ओ। ओके, सो डियर पेरेंट्स, डे 5 इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे डे 5 में, कर्व। ओके, अ कर्व पैटर्न्स। ओके, तो कर्व सबसे पहले हम लोग कर्व इस तरह से जो बनाते हैं ये क्या होता है, ऐसे जो हम लोग गोल बनाते हैं वो क्या होता है, कर्व होता है। ओके, इस तरह से आप कर लेंगे, ये कर्व पैटर्न है। ओके, तो इस तरह से आप अपने बच्चों की नोटबुक में इस तरह से डॉट डॉट कर कर दे देंगे। ओके, इसके ऊपर बच्चे चलाएंगे अपने हाथ और आसानी से सीख जाएंगे। ओके, तो दो लाइन तक हम देंगे, जैसे कि आपने देख लिया इस तरह से हमने बना लिया है कर्व। ओके, सबसे पहले डॉट देंगे, कैसे, इस तरह से डॉट में कैसे बच्चे बनाएंगे, इस वाले डॉट को पकड़ेंगे इस तरह से, इसमें मिलाएंगे इस वाले डॉट को इस तरह से, ठीक है, ठीक है, हम इस तरह से बना रहे हैं। ये हम यहाँ पे 4 डॉट दे देंगे ताकि बच्चे आसानी से बना सकेंगे। देखिए, मैंने अपने पूरे नोटबुक में इस तरह से डॉट देकर तैयार कर दिया है, तो अब भी इस तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक। सो डियर पेरेंट्स, डे 5 में नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, 5। ओके, सो डे 5 में क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, 5 5 5 5। इस तरह से मैंने 5 5 बना दिया है। ओके, आप क्या करेंगे, डॉट डॉट 5 के नीचे एक लाइन छोड़कर आप डॉट देंगे। ओके, इस तरह से डॉट दे दीजिए, डॉट देने से क्या होता है, बच्चा आसानी से सीख जाता है ना। चलिए, तो मैं
नोटबुक में पूरे पेज में डॉट दे दे रही हूँ। आप भी इस तरह से नोटबुक तैयार कीजिए और अच्छे से डॉट डॉट दे दीजिए। ओके, देखिए मैंने इस तरह से डॉट डॉट दे दिया।